तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पवित्र गोद विच बैठी सतसंग जी सब तो पहला फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास शुरुआत दे विच ही बेनती करदा कि मैं कोई कमर्शियल बुलारा नहीं, कोई शब्द की बाद घाट रह जाए कमेंटा च लिखण की बजाए दास दे फोन नंबर से समझाउण की कोशिश करो तो मैं वादा करदा मैं अमल करूंगा, क्योंकि मैनू स्टेज के उत्ते माड़े हालातों ने चाड़िया। मैं जिंदगी विच बेटा बेशक दुनियावी बहुत वड्डा कलाकार सी, पर मैं स्टेज के सामने मैं हमेशा परदे दे विच अपनी जिंदगी नू जीविया, पर मौके दे हालातों ने इहो जे हालात पैदा करते। सतसंग जी तुसी सारे भली भत जानते हो आपां दिल्ली का मोर्चा जित के आए, पर तुसी ये गल भी समझ लियो सानू उस मोर्चे की कीमत बड़ी चुकाउणी पैणी, क्योंकि हुक्मराना ने भी इस गल का अंदाजा ला लिया भी जिहड़ा नौजवान थोड़ा जिहा भी धौण चक के जिउण की कोशिश करदा उहदा जां तां एक्सीडेंट हो जांदा जां उह गोलियां नाल छलनी कर दित्ता जांदा है। 2022 इहो जिहा काला वरिया चढ़िया, फरवरी दीप भेंट चढ़ गया, मार्च के संदीप कबड्डी प्लेयर भेंट चढ़ गया और 29 मई मेरे परिवार लिए काला दिन लेके आए। ये सिलसिलेवार मौतां हो क्यों रही हैं? साड़ी तां कदे किसी दे नाल 57 की जमान तक नहीं हुई, क्योंकि वीरो जिहड़ी आवाज दीप ने बुलंद की ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਹੇ ਰਗੜਾਉਣ ਦੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਵਾਨ ਗਏ ਨੇ, सच जाने दुनिया ते जी नहीं लगता। मैनू बड़िया धमकियां दिंदे है, मैं उन्होंने साफ कर दिना वीरो 29 मई का मरिया होया, एक तुरदी फिरदी लाश आ, जदों थोड़ा जी करिया उदों मार मार। हालात इस तरह के बन गए, कामयाब होना मशहूर होना गुनाह बन गया। मैं आए ऐतवार नूं सरकार नूं संबोधन हुंना, बेनती करदा बिलकदा भाई 11 महीने हो गए हुण तां पूरा कर दिओ सिस्टम, हाले भी चुप। तुसीं एक गल गौर नाल सोचियो, मेरे पुत नूं मारन वास्ते 1.5 करोड़ दे वैपन लग गए, 33 बंदियां दी इनवॉल्वमेंट आ गई जेल दे अंदर बंद करते, पर हाले तक मास्टरमाइंड का नहीं पता भी ये काम कराया कि नहीं। फिर मैं की समझा भी मेरा किने मारता? मैं तो बिसर भोला होया घर दे विच गल लई बैठा सी भी मेरी तो किसी ना दुश्मनी नहीं, असी तो लोगों की सेवा करने वाले पास चल पे भी रोटी का जुगाड़ साडे कोले हैगा, कुछ ना कुछ जो आ लीडर दे विच कमियां आईयां ने यार असी दूर करने की कोशिश करांगे, पर सानू फिर भी कल्ले नूं खेड़ के इस तरह मौत दित्ती। और मौत ओ दीप सिद्धू ये लोग ओ ने जिहड़े बाहरले मुल्कां तों डर लिया लिया के सरकार दे खजानियां दे विच पाउण वाले लोग, ये कल्ले साडे पुत नहीं सी, ये सरकार दे कमाऊ पुत भी सी, इन्हां दे नाल साडी देश भर दे विच संसार पद्धर दे उत्ते जन नाले चेहरे सी,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤੇ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਜਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਤੇ, ਪਰ ਅਣਗੌਲੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਗੀਤ ਤੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਆਵੇਂਗਾ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਸੋਚ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਨੀਤ ਵਾਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਆਓ ਨਾ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਚਟਾਨ। ਕੀ ਗਲਤ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਜਾ, ਆਹ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਨ ਤਰਨ ਲੱਗੇ ਲੈ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ। ਜੱਗੂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਛੱਡ ਦੇ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਫਰੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਛੱਡ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਤ ਨਖੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਆਂ ਨੀਵੀਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 5-4 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਔਰ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ FIR ਕਰਾਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਆ ਵੀ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਵੀ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 1/2 ਘੰਟਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਓ ਜੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੈਂਦਾ, ਓਏ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ 100-50 ਦਾ 10,000 ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੂ ਅਫਸਰ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੂ, ਆਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 5-7 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕੇ ਬੈਠਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਰੋਜ਼ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਦਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ
जिहड़े बंदे ने असला पहुंचाया बठिंडे मानसा तक, संदीप कालों सिर ते पग बंद है। वो तुसी यो जिया कमाइया ते लग गए, तू जो एक संतालियां रख के मानसा वाल छड़न तुरिया, तेनू एक बार भी नहीं पता लगे किसी बेदोशे की जान लैणगियां। किहड़े भाईचारे की गल करिए, एडे असी पैसे नू लेके कमीने हो गए भी सानू पैसा मिलना चाहिए, चाहे भारत जाए दस बच्चे मार देन, अगे जाके सानू कोई मतलब नहीं इस गल दा। वीरो कौम दे जिहड़े सिर कट मुंडे आ बचा लो, मेरी थोड़े सारिआं दे चरणां च हथ बन के बेनती है। दीप गया, संदीप गया, कलम बागी, खेड बागी, आवाज बागी साढ़े कोल पिछे रह की गया। मैं कोई लैण लाउण परिवार चो नहीं वीरो, मेरे कोल केवल 5-6 किले जमीन है घर दी। मैं दिहाड़ियां कर करके बच्चे नूं बीटेक करवाई, असी मियां बीबी ने अद्धी अद्धी रात तक जिल्दां बन्नियां, किताबां दियां प्राइवेट स्कूल खोल के, फिर जाके बीटेक करा के 20 लाख रुपये का इंतजाम बैंकों तो लिमिटा करा के मैं कनेडा भेजा, और 2 करोड़ रुपया मैं सरकार के खजाने च पावां, और मेरा बच्चा 100 रुपए दियां चप्पलां पाके बाजार घूमदा सी जिते जानवरां वांगू 35 गोलियां मारियां उसदे विच। किहड़े क्लीनिक दी गल करदे हो, 3 मिंट दा रस्ता सी हस्पताल दा, उत्थों मेरा उस हस्पताल दे विच पहुंच नहीं सकिया। आ प्रशासन दोगे तुसी भावें लख कहो कैप्टन नूं माड़ा जा, पर फैसले तो ले यार। कई बार मैं कहना हुंदा जिहड़ा गल फौजी ने कही थी तां कही थी, आ कोई हल है? हरेक गल पुछण वास्ते सानूं दिल्ली जाना पऊगा? मैं सानूं कहिंदा वीरो तुसी अपना होश वाश खो के पंजाब गहने करता दिल्ली कोले, 5 साल पछताओगे। साडे आप दे सी कुछ करदे कुछ ना करदे अलांभा देण जोगे तां असीं किहदे कोले जाईए? मैं 1-2 बंदिया को गया जाके आपकी बिपता सुनाई, भाई मेरी मदद करो, मैं 11 महीने हो गए बिलक दे, मेरी गैंगस्टर के जेडे शूटर ने उन्होंने आ गल अटकी पई है। तीजे बंदे जो गल करते गल उ रुक कहता जिनी गल मैनू सुनाई है जे जाके केजरीवाल सुनावे तो सुनवाई हो, भाई मेरी क्यों सुनूंगा दूजी स्टेट का मुख्यमंत्री जो तुम नहीं सुनते? आ हाल है वीरो, जो फैसला लेने उदो थोड़ा सोच के लिया करो। माफ करना मेरा थोड़ा साह चल गया। कोई शब्द बद घट कह जाना कई बार, मैं भावुक होके तो मैं सारी संगत तो भी करना, मैं थोड़ा बच्चा, मैं कदे भी कोई गलत शब्द बोल जा, कई बार मैं कह देना भी मेरा बच्चा संत महापुरशां वर्गा, कई कोई शब्द ऐसी निकल जाए, मेरी मंशा कोई नहीं होंगी किसी ने तुलना करने की, मैं अणजाण मैं समझा दिया करो। पर जो तुम कमेंट के गलत गल लिखते हो तू इन बाबा नानक ना बनाओ, मैं तो उन्होंने चरण की धूड़ भी नहीं। मैं इस तरह की कदे अपने बच्चे किसी धार्मिक व्यक्ति ने तुलना नहीं करता कभी, मैं तो उसकी समाध के उत्ते लोग मत्था टेकते हैं शरदा नाल आके, मैं उत्थे लिख के भी लाता भी वह गुरु ग्रंथ साहब मानता सी जे तुसीं मत्था टेकना गुरु साहब के शब्द गुरु के चरणों च जाके टेको, ये एक दुनियावी लड़का सी इहनू मत्था ना टेको। मैं इत्थों भी नौ साल करके कहने भी उत्थे मत्था ना टेको, उहदा समारक है, मैं उहनू समाध नहीं कहिंदा, उहदी याद रखी है। मैं आने वाले समय के अगले मार्च के मैं भी उस बच्चे बधाई दूंगा, उसकी बरसी करूंगा। वैसे उम्मीद मैनू यह भी वह मेरी बरसी करूंगा, पर हालात इदा दे जो तो सुभावा नानका सही गल चंगी, जो अकाल पुरख का हुक्म उस तो बिना पत्ता भी नहीं हलदा वीरो। सो अगले मार्च के आप दोबारा फिर कट्ठे होवांगे कितने, फिर भी जे सरकार ने कोई अपनी गल ना सुनी जिवें ओह लद्दी खड़ी है। धन्नवाद, जिउंदे रहो, तुहाडे ते मेरियां आसां ने, और जिवें दीप दी लद्दी खड़ी है वीरो मैं भी तैयार कर ली। आपां लोकां कोले जावांगे, इत्थों दे हालात दसांगे जे पुत बचाने हैं तो सानू कोई ना कोई हीला वसीला करना पऊगा। रही जिंदगी जे 1-2 जाना भी यहो जिया बचा के मैं समझूंगा मैं कौन दे किसी परिवार के काम आया।
क्योंकि एक व्यक्ति होंगे मर्डर आप हर एक का कह देंगे एक मर्डर वो होंगे जिदे नाल सौ परिवार होर भी मर गया कला सिद्धू से जाना मैनू का जो घाटा पिया पिया जे वीडियो म्यूजिक डायरेक्टर ड्राइवर घट्टो घट सौ डेढ़ सौ फैमिली जी प्रभावित हुई है वो उन्होंने ठूठे च लत बजी है किसी ने वो गोलियां चला लगे तुम चंद रुपया की खातर यह तो देख लिया करो मैं सारी संगत न सिर तो पग ला के भी उदो यही बेनत करी सी भी मैं थोड़ा कर्जदार हाँ वो तुसी जिन्ना मैं दीप सिद्धू नूं विदा करन वेले थोड़ा कट वेख्या लगदा सी हले इंसानियत हैगी है जिदे मेरे बच्चे का संस्कार सी 35 किलोमीटर दे विच जाम लग्या होया सी उहदे तों मैं अपने आप नूं थोड़े समर्पित करता सी जिहे जिहा जिन्नी जोगा जिते कम आ गया मैं हाजर होर मैं कोई बहुता वड्डा बंदा नहीं वीरो मैं तो 5-7 किले वाला आम जिमीदार सी 50 साल मेरी मां दी स्ट्रगल करदी दी उम्र लंघी 50-55 दा मैं हो गया सी तां जाके एक बच्चा परवान चढ़िया सी और जिहड़ा जिहदे मौत दे कारण दा मैनूं अज तक पता ही नहीं लग रहा भी मेरा मारिया क्यों गया मैं तो यही गल कही सी जे तुहानूं चंगे लगदे आ इहनां नूं छड्ड दिओ छड़ दो मैं थोड़ी गल मान लूंगा पर मैं ये इको गल दस दौ भी मेरा मार कदों दिता वो योजा किहड़ा काम करता सी भी जिहड़ा तुहानूं चंगा नहीं लगदा उन्हें तो धी भैन के खिलाफ कोई गाना नहीं गाया उन्हें तो थोड़ी पग नूं थोड़ी मां बोली नूं न्यूजीलैंड के परले पासे टापू ने छोटे छोटे गोरियां दे उत्थों तक थोड़े क्लबां च गाने बजन लाते पग दे यूएसए दी कोई इहोजीआं स्टेटां जिथे जिथे अज तक कदे पंजाबी गाना नहीं बजिया सीगा उत्थे तुहाडी बोली पहुंच गई कि उस चीज का सर्टिफिकेट है। सो वीरो थोड़ी सेहत अलाउ नहीं करती मेरी हाजरी प्रवान करो कोई शब्द किसी नूं फिर भी ना चंगा लग्या हो हाथ जोड़ के संगत माफ करन योग है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।